तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? पहले तो ये एक ट्री है और ये बाइनरी ट्री है। तो इसकी बेसिक जो डिफिनेशन वो रहेगी, ये एक टी ट्री है, एक सेम जैसे एक ट्री होता है, इसका एक रूट रूट होता है, रूट के अपने चाइल्ड्स होते हैं, एंड देन वी कैन हैव अ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। और बिल्कुल इसी तरह ये एक बाइनरी ट्री भी है, यानी हर एक जो भी कोई नोड होगा उसके मैक्सिमम जो सब नोड्स होंगे या चाइल्ड नोड्स होंगे वो टू हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इसकी बेसिक डिफिनेशन हम देखते हैं। बाइनरी सर्च ट्री BSTB से बोलते हैं, इज ए बाइनरी ट्री दैट इज आइदर एम्प्टी और इन विच एवरी नोड कंटेन्स अ की वैल्यू एंड सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी एक बाइनरी ट्री जो होता है, एक ट्री, एक बाइनरी सर्च ट्री जो होता है, बाइनरी ट्री ही होता है, या तो वो एम्प्टी हो, यानी जैसे हम बोलते हैं एक सेट थ्योरी में हम बोलते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो भी एक सेट ही होता है, तो या तो ये एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो एवरी नोड, हर एक नोड में एक की वैल्यू होगा, चाहे क्योंकि हमारा डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, देयर कैन बी ऑफ मोर देन वन पार्ट, उसमें बहुत डेटा में दो तीन आइटम या जितने भी आइटम, बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक की वैल्यू होना चाहिए, एक वैल्यू जिसको हम की बना लें, और वो ये चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या चीजें हैं? पहली, ऑल द की इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट आर स्मॉलर देन द की इन द रूट नोड। जो लेफ्ट सब ट्री है, यानी जो हमारा रूट है, रूट में कोई रूट की की कोई वैल्यू है, सपोज रूट की हैज वैल्यू 50, ठीक है। अब उसकी उसका जो लेफ्ट सब ट्री है, उसके जो लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यूज होंगे वो उस रूट के इक्वल या लेस होंगे, या तो लेस होंगे, कम होंगे, या तो उस रूट के बराबर होंगे। एंड ऑल द की इन द राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर ग्रेटर देन द की इन द रूट नोड। और जो राइट सब ट्री है, वो रूट से हमेशा बड़ा होगा, उसकी जो की वैल्यूज होंगे वो रूट से हमेशा ग्रेटर देन होंगे। द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर अगेन बाइनरी सर्च ट्री। और जो सब ट्रीज बन जाते हैं लेफ्ट और राइट में, वो फिर से एक बाइनरी सर्च ट्री होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारी एक एग्जाम्पल दी गई है, देखो जी, हमारा जो रूट है दैट हैज अ वैल्यू 50, रूट का वैल्यू जो है वो 50 है ये, ठीक है। अब देखो इसके जो लेफ्ट है, मैं आए इसके लेफ्ट में है, चाहे ये वाला नोड हो, ये वाला नोड हो, या ये वाला नोड हो, जो भी ये चार नोड्स है, अगर हम यहाँ पे देखें, इन चारों में ऐसा कोई भी नोड नहीं है जो इस रूट नोड से बड़ा हो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है कि बाइनरी सर्च ट्री में, कि जो हमारा रूट होता है, रूट का जो की वैल्यू है, यहाँ पे की वैल्यू हमने दिया है 50, तो जो उसके लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट सब ट्री में है, लेफ्ट सब ट्री में सारे के सारे नोड्स जो होंगे वो या तो इस 50 से लेस होंगे या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर होंगे, इसके इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी 50 वैल्यू से यहाँ 49 वैल्यू हो सकता है किसी का, इसका 50 भी हो सकता है, लेकिन 51 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, 51 लेफ्ट सब ट्री में नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं। अब इसके राइट में आ जाते हैं, इसके राइट में हमारे पास फिर से ये एक दो और तीन नोड्स हैं। अब देखो ये तीनों नोड्स जो है ये 60, 70, 65, इनमें एक ऑप्शन है, तीनों के तीनों नोड्स इस 50 नोड से की वैल्यू से बड़े हैं, यानी जो राइट साइड ऑफ द राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री ऑफ दिस रूट, इसमें जो सारे के सारे वैल्यूज है वो इस नोड से, इस रूट से बड़े हैं, ठीक है। तो यही है बेसिक डिफिनेशन ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। अब ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, हमारे जो रूट का वैल्यू है वो 8 है, अब जो भी लेफ्ट में होगा उसका वैल्यू 8 से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा ऐसा उसके 8 के बराबर हो जाए, ठीक है, या 8 के बराबर हो सकता है
या एट से कम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थ्री है, सिक्स है, सेवन है, फोर है, वन है, तो सारे के सारे जो वैल्यूज है ये एट से कम है। अब जो राइट में अगर हम आ जाते हैं तो सारे वैल्यूज एट से ज्यादा होने चाहिए, टेन ग्रेटर देन एट, फोर्टीन ग्रेटर देन एट, थर्टीन ग्रेटर देन एट। अब जो लास्ट पॉइंट हमारे पास था यहाँ पे, द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर अगेन बाइनरी सर्च ट्री, यानी जो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा ये सब ट्री ये फिर से होने चाहिए बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला पोर्शन लेफ्ट सब ट्री, अगर हम इस वाले पोर्शन, ये जो बाकी पोर्शन रह जाता है ये पोर्शन, इसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर दे, हमारा एक और सब ट्री बन जाता है ये, इसमें जो हमारा रूट है वो है थ्री। अब देखो रूट का की वैल्यू थ्री है, इसके जो लेफ्ट में है वो हमेशा इससे कम ही होगा, जो थ्री के लेफ्ट में वन है, ओके इट्स गुड। अब थ्री के राइट में सिक्स है, ये भी वैलिड है, थ्री के राइट में फोर है, ये भी वैलिड है, और थ्री के राइट में सेवन है, ये भी वैलिड है, यानी जो ये लेफ्ट सब ट्री एक और हमें बन जाता है, इसमें ये भी खुद में एक बाइनरी सर्च ट्री है। अब इस सब ट्री को हम देख लें, इस वाले सब ट्री को, रूट में वैल्यू सिक्स, ठीक है, अब रूट के लेफ्ट में वैल्यू है लेस देन रूट, फोर है, और रूट के राइट में वैल्यू है ग्रेटर देन रूट, एंड दैट इज सेवन। तो हर एक सब ट्री, इसमें जितने भी सब ट्रीज होंगे, जितने भी इसमें अलग अलग से पेरेंट चाइल्ड नोड कॉम्बिनेशन होगी, उसमें ये एक चीज क्लियरली होनी चाहिए कि लेफ्ट ऑफ देयर शुड बी लेस देन और देयर कैन बी इक्वल टू, एंड द राइट साइड जो हमारा है वो हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन ऑफ द रूट। ठीक, ये हमारा रूट है, जो रूट है, रूट का जो लेफ्ट है हमेशा उससे कम होगा, या कभी ऐसा हो सकता है कि उसके बराबर कोई एलिमेंट हो, और जो राइट साइड में हो वो हमेशा रूट से ज्यादा हो, उसका की वैल्यू जो है, उसको की जो भी हम की, कभी हम की अल्फाबेट ले सकते हैं, कभी की न्यूमरल ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन हमारा डेटा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन क्या है। बाइनरी सर्च ट्री बताता है कि बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है, देखिए यहाँ पे जो हर एक नोड है, हर एक नोड के मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जो है, चाइल्ड नोड्स वो टू है, इसका मतलब ये एक बाइनरी ट्री है। एंड देन आफ्टर बाइनरी ट्री इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो लेफ्ट वाले सब ट्री है वो रूट से लेस होना चाहिए, और राइट वाला सब ट्री जो है वो रूट से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये है बाइनरी सर्च ट्री की बेसिक डेफिनेशन। A binary search tree is basically a binary tree and therefore it can be traversed in order prior postal. So, agar iska traversal hum dekhe to bilkul jaise hum binary search tree mein isse pehle ki lectures mein humne dekha jo hum in order prior order ya post order mein jaise hum traverse kar sakte hain, bilkul binary search tree mein bhi waise traverse kiya ja sakta hai. If we traverse a binary search tree in order and print the identifiers containing in the nodes of the tree, we will get a sorted list of identifiers in ascending order. अब देखो ये सेक्शन, अगर हम इस बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर याद रखना, इन ऑर्डर क्या बोलता है, इन ऑर्डर पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट, पहले लेफ्ट ट्री फिर रूट फिर राइट, यानी अगर हम ऐसे आए, पहले लेफ्ट में आए फिर रूट को क्रॉस करे फिर राइट में आए, अगर हम ऐसे इस ट्री को, बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करें तो हमेशा हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी नंबर्स की या जो हमारी की वैल्यूज की, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। इसका क्या मतलब, हम इस ट्री को एक बार देखते हैं ट्रेवर्स करके इन ऑर्डर में, जब हम इन ऑर्डर में आते हैं हम पहले लेफ्ट में जाना पड़ेगा, लेफ्ट में पहुंच गए थ्री के पास, थ्री का फिर से लेफ्ट है तो हम पहुंच गए वन के पास, तो हमारा वैल्यू जो बनता है वो बनता है वन। अब जब वन को हमने प्रोसेस किया, हम उसके रूट पे आ गए, रूट उसका थ्री है, थ्री के लेफ्ट का जो पोर्शन प्रोसेस किया हमने, तो इन ऑर्डर बोलता है पहले लेफ्ट चाइल्ड को करो फिर रूट को करो और फिर राइट को करो, फिर रूट आएगा यानी थ्री। अब थ्री का अब राइट पार्ट भी है, अब थ्री का राइट पार्ट जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं, थ्री के हमारे राइट पार्ट पे
हमारे पास सिक्स है, लेकिन सिक्स जो है वो खुद एक सब ट्री है, पहले हमें उसके लेफ्ट में जाना पड़ेगा, जैसे कि हमने इन ऑर्डर में पहले ही देखा है। अब लेफ्ट में चले गए तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पहले फोर प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने फोर प्रोसेस किया, फिर यहाँ ये लीफ नोड है, हम और कहीं नहीं जा सकते, हमें वापस आना पड़ेगा इसके रूट पे। एज पर द डिफिनेशन ऑफ इन ऑर्डर प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री देन प्रोसेस द रूट, तो हमें फिर से रूट को प्रोसेस करना पड़ेगा। जब हम रूट को प्रोसेस करेंगे हम सिक्स को प्रोसेस करेंगे। अब जब हमने रूट को प्रोसेस किया है, हम अब राइट को प्रोसेस करेंगे, तो राइट में जो है लीफ नोड है सेवन, तो हम सेवन को प्रोसेस करेंगे, इट इज सेवन। ऐसे हमने अब ये सारा लेफ्ट खत्म कर लिया है, जब लेफ्ट खत्म हो गया फिर रूट को प्रोसेस करते हैं, करेंगे एट को। ऐसे हम फिर इसमें जाएंगे राइट साइड में, राइट साइड में हम जाएंगे, विल गो टू द राइट साइड। यहाँ पर इसका लेफ्ट है नहीं, जब इसका लेफ्ट नहीं है तो रूट ही प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। देन उसके बाद हम फिर से चले जाएंगे उसके राइट पे, तो राइट पे जो है वो खुद एक सब नोड है, उसका पैरेट नोड है, तो पहले उसके लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके लेफ्ट में जो वैल्यू हमें मिलता है वो 13, तो हम 13 को प्रोसेस करेंगे, और 13 को प्रोसेस करने के बाद वापस आ जाएंगे उसके रूट पे जिसका वैल्यू 14 है। अब 14 के बाद और कुछ नहीं रहता है, तो हम 14 को प्रोसेस करेंगे। अब अगर यहाँ पे एक नजर हम डालेंगे, इस थोड़ी सी नजर इस पे, हमने पहले 1 को प्रोसेस किया, फिर 3 को प्रोसेस हुआ, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 13 और 14। अगर हम ये नंबर देखें, ये सीरीज में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 है, फिर उसके बाद 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14। यानी ये क्या बता रहा था, इससे पहले जब हमने ये एक लाइन पढ़ी, अगर हम एक बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर में, कभी भी जितना भी बड़ा बाइनरी सर्च ट्री हो, अगर हम उसे इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हैं एंड प्रिंट करते हैं वो आइडेंटिफायर्स कंटेनिंग, यानी कीज हम प्रिंट करते हैं, तो वी विल गेट अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि हमें यहाँ पर अभी मिला, हमें 1, 3, 6, 4, 6, 7, 8, 10, 13 और 14 मिला, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल भी है इसमें, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी सर्च ट्री जब भी हम करेंगे, इसमें जो हमें लास्ट में स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो हमेशा इन ऑर्डर, एक असेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत क्यों पड़ी, वाई बाइनरी सर्च ट्री, हमारे पास तो ट्री था तो बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत क्यों पड़ी। असल में बाइनरी सर्च ट्री को की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम इस पे ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, सर्च कॉम्प्लेक्स की, एरे में अगर हमें सर्च करना हो तो हमें जो टाइम लगता है एवरेज टाइम, ऑब्वियसली बिग ओ लॉग, ओ लॉग एन, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिंक्ड लिस्ट में भी ओ एन, एंड बी एस टी में जो है वो लॉग एन है, यानी लॉग एन, ऑब्वियसली लॉग एन जब नंबर होगा वो हमें एन से कम मिलेगा, ठीक है। जब हम किसी के नंबर का लॉग निकालते हैं वो उस नंबर से काफी ज्यादा छोटा होता है, तो इसकी एक्चुअली सर्च कम्प्लेक्सिटी, सर्चिंग में जब ये बहुत फास्ट है सर्चिंग में, ठीक है, और इंसर्ट में भी, देखो इंसर्ट में भी है, एंड ऑब्वियसली रिमूव ए नोड वो भी है, ठीक है। तो हमें ये जो है मोस्टली ये जो बाइनरी सर्च ट्री है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, खासकर सर्चिंग में, तभी इसे बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, सर्च में ये बड़ा काम आता है, बड़ा फास्ट है सर्च में,